सभी का स्वागत है इस मॉर्निंग सेशन में, सुबह के सत्र में। इसमें हम लोग अभ्यास एक कर रहे हैं और उसमें हम लोग स्टेप वन स्टेप टू पर बात कर रहे हैं। तो एक बार मैं जस्ट ब्रीफली स्टेप्स को रख देता हूँ, पर आपका जो ऑब्जर्वेशन रहा है कल से आज सुबह तक, उस प्रक्रिया में जो भी आप देख पाए उसको जो शेयर करना चाहेंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। तो अगर ध्यान से देखें तो हम लोग स्टेप वन स्टेप टू पर बात कर रहे हैं, और ठीक से देखेंगे तो स्टेप वन को हम लोग ने स्टार्ट किया था। तो स्टेप वन में एक हम लोग महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं कि अपनी कल्पनाशीलता को देखने का प्रयास कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब यही है कि जो जैसा चल रहा है मैं उसको वैसा ही देख रहा हूँ, उसमें प्लस माइनस नहीं कर रहा हूँ, एडिशन डिलीशन नहीं कर रहा हूँ। तो जैसा चल रहा है मैं उसको देख रहा हूँ वैसा ही एज इट इज, यही ऑब्जर्वेशन। तो उसी को हम लोग अभ्यास के रूप में करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी कल्पनाशीलता में चीजें जैसी चल रही हैं उसको मैं वैसा देख पाऊं। तो वैसा देख पाऊं तो उसके साथ क्या नहीं करना है इस पर हम लोग ध्यान दिला रहे हैं, क्योंकि नहीं करने वाला पार्ट हम करने लगेंगे तो जैसा चल रहा है वैसा मैं नहीं देख पाऊंगा। तो हम लोग इस पर बात कर रहे हैं कि रिएक्शन नहीं करना है, हटाने की कोशिश नहीं करना है, बदलने की कोशिश नहीं करना है, इंटरप्ट नहीं करना है। अगर इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो जैसा चल रहा है हम उसको वैसा देख पाएंगे। तो इस चीज का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं स्टेप वन में। तो जब देख रहे हैं तो कल्पनाशीलता में इच्छा विचार आशा ये क्रियाएं चल रही हैं, इसके कंटेंट को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखेंगे तो बहुत समय हमको आशा में चलती हुई चीजें जल्दी दिख जाती हैं। आशा का मतलब है कि बाहर कुछ हो जाएगा फिर मैं उससे ठीक हो जाऊंगा, तो बाहर सब ठीक हो जाए ऐसा अपने में बना रहता है। तो ज्यादातर समय देखेंगे तो आशा वाले भाग बहुत क्लियर दिख जाता है, लेकिन उससे सूक्ष्म विचार है। तो हमको ध्यान देने की प्रक्रिया में विचारों पर आना है। विचार में भी देखेंगे तो एक सरफेस लेवल के जो विचार है, चाहे वो सही के अर्थ में हो चाहे सही के अर्थ में ना हो, सही के अर्थ में मतलब हमारे लिए पॉजिटिव हो या ना हो, वो भी हमको जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। और स्पेशली अन्यथा विचार जो चलते हैं वो जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन विचारों को भी और गहराई से ध्यान देंगे तो जो सेटल्ड विचार है, जो सेटल्ड भाव से आ रहे हैं बने हुए, उनको भी देखना है हमको। तो अभी जो एक्साइटेड वाले विचार होते हैं वो जल्दी पकड़ में आ जाते हैं, जल्दी दिख जाते हैं, लेकिन हमारी कल्पनाशीलता में देखेंगे तो कुछ सेटल्ड विचार भी हैं, उनको भी हम देख पाए। तो वो देखने की सूक्ष्मता भी हमको है ना अपने में बढ़ानी है। और उसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस यही है कि हमको अपने कल्पनाशीलता में ध्यान बनाए रखना है। तो अगर हम बिना इंटरप्ट किए उसको ध्यान बनाए रखेंगे तो आशा से विचार, विचार से भी सेटल्ड विचार, इस पर भी हमारा ध्यान जाएगा। और फिर उसको और ध्यान बनाए रखेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि बीज रूप में तो भाव ही है ना। तो अल्टीमेटली तो हमको भाव पर जाकर चीजों को एड्रेस करना है, इवेल्युएशन करना है। तो बीज रूप में चीजें सही हो जाए तो उससे जो विचार फैलेगा वो सेटल्ड होगा, या अन्यथा जो विचार चल रहा है उससे हम धीरे धीरे मुक्त होंगे। तो फिर आशा से विचार, विचार से भाव, और भाव के लेवल पर जाकर इवेल्युएशन करना, इतना काम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए एक एक्सरसाइज वन में केवल इसकी बात कर रहे हैं कि जो भी चल रहा है इस क्षण इस पल उसको देखें। स्टेप टू में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अब जब देख रहे हैं और भाव तक पहुंच पा रहे हैं तो फिर अपने से पूछे, ये जो भाव चल रहा है ये मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं, मेरे स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं, मानवीय स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं, मैं इस निरंतर भाव की निरंतरता को बनाए रखना चाहता हूँ कि नहीं।
इतनी बात फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में पूछ रहे हैं। जैसा हम सभी लोग शेयर करते हैं कि भाव को देखना मुश्किल तो हो ही जाता है, तो अगर हम निष्कर्ष के रूप में देख पा रहे हैं तो निष्कर्ष के रूप में देख लें। जैसे कोई घटना हो गई है, मेरे में विचार में कुछ फैल गया है और उससे मैं सहज नहीं हूं, तो एक निष्कर्ष के रूप में भी देख सकते हैं कि इसके पीछे असहज भाव ही रहा होगा, तभी विचारों में इतना अंतर्बोध आ गया है। तो शुरू भी यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे तो हमको ऑब्जर्वेशन बढ़ाना है और डायरेक्टली उसको देख पाए, इस तक पहुँचना है। तो जिस क्षण मैं डायरेक्टली देख रहा हूँ उस क्षण जब ये प्रश्न अपने से हम पूछेंगे कि ये भाव मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं, मेरे स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं, इसकी निरंतरता मैं बनाए रखना चाहता हूँ कि नहीं, उस क्षण जब पूछेंगे तो उसका इवोल्यूशन ठीक ठीक हो पाएगा। तो भाव के लेवल पर जाकर ये बात को अपने से पूछना, ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वो बीज रूप में वही काम कर रहा है। जो फैल रहा है वो तो विचार है, लेकिन जो बीज में बना हुआ है वो तो भाव है। इसलिए भाव के लेवल पर जब चीजों को करेंगे तो जल्दी सेटल हो जाएंगे। तो इतनी बात को हम लोग स्टेप वन और स्टेप टू मिलाकर पिछले एक दो दिनों से बात रख रहे हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में हमारे जो शेयरिंग होती है उसको हम लोग रखते हैं, और शेयरिंग को रखते हुए हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, जिससे हमारा ध्यान देने की प्रक्रिया और बढ़ जाए। जी, तो इतनी बात से हम लोग आपके कल से आज तक, है ना, इस प्रक्रिया में जो आपने देखा है, इस प्रक्रिया में जो नहीं देख पाए हैं, उन सब बातों को हम लोग रखते हैं, तो हम सबका ग्रोथ होगा म्यूचुअली। जी भैया, कल का जो गृह कार्य दिया हुआ था तो उसके बारे में थोड़ा मेरा एक सवाल बन रहा था कि अभी भी मैं अपने घर के लोगों के प्रति थोड़ी मेरी गड़बड़ी बनती ही है, तो इसको मैं थोड़ा और ऑब्जर्व कर रही थी। तो मैंने जो अपनी कल्पनाशीलता में एक कुछ चित्रण किया हुआ है कि मेरा घर जो है ऐसा होना चाहिए, तो मैं ना उसी वो चित्रण की वजह से बहुत ऐसे लगता है कि नहीं, ऐसे ही चाहिए मुझे, ये ऐसे क्यों हो रहा है। और उस वजह से फिर मुझ में वो एक गुस्सा या विरोध बनने लगता है, और वहां पे मान्यताएं कुछ नहीं होती है उस व्यक्ति के प्रति। ये मैंने थोड़ा नोट किया, बट वो जो चित्रण बना है बहुत गहरे में, वो मुझे ट्रिगर करता है। ऐसे कुछ मैं एक ऑब्जर्वेशन मुझे लग रहा था भैया, इसको कैसे समझूं और मैं। तो अभी देखेंगे तो सामान्यतः तो हम लोग ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, अपने में पहले कुछ चित्र बना लेते हैं, है ना, कि घर ऐसा होगा, हस्बैंड ऐसे होंगे, वाइफ ऐसे होंगे, बच्चे ऐसे होंगे। बचपन से हम लोग सुनते सुनाते करते करते अपना एक चित्र बना लेते हैं, और फिर उससे आशा बन जाती है कि जो होंगे हमारे अराउंड वो ऐसे ही होने चाहिए। फिर वो वैसे नहीं होते हैं, हम परेशान होते हैं, फिर वो जो हमारा चित्रण है वैसे लोग हो जाए, उसके लिए हम लोग बहुत सारा प्रयास करते रहते हैं, है ना। तो ऐसा नॉर्मल घटना है, हम सबके साथ ही ऐसा होता है, क्योंकि अगर हम अपने में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हम क्या चित्रण बना रहे हैं इस पर बहुत तो ध्यान नहीं जाता है। तो एक तो मैं ये कहूंगा ये नॉर्मल बात है, ये हम सबके साथ ही होता है। तो जहां जहां हमने चित्रण अन्यथा बना लिया है और हमारे अराउंड लोग किसी और योग्यता के साथ हैं, तो उस चित्रण को पूरा नहीं कर पाते हैं, यानी कि उस आशा को आपका पूरा नहीं कर पाते हैं, फिर हम परेशान होते हैं। एक तो ये परेशानी का कारण है। दूसरी बात मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि ये घर वाले और बाहर वाले का इशू नहीं है कि घर वालों के प्रति ज्यादा विरोध आ रहा है, बाहर वालों के लिए कम आ रहा है। ये इशू इस बात का है कि मेरे संस्कारों में विरोध का भाव बना हुआ है, कहीं ना कहीं मैंने उसको बहुत महत्वपूर्ण मान रखा है और वो बना हुआ है। जो ज्यादा क्लोज होते हैं उनसे ट्रिगर ज्यादा हो जाता है, जो कम क्लोज होते हैं उनसे ट्रिगर कम होता है। तो वो कॉन्शियसनेस का इशू है। तो अगर मेरी कॉन्शियसनेस में ऐसे संस्कार बने हुए हैं तो ना किसी से तो वो ट्रिगर होता ही रहेगा। तो इसीलिए हम लोग इस पर ये जो बात कर रहे हैं ना,
ये वो भाव के रूप में जब चीजों को देखेंगे, उससे जो विचार बनेगा, तो भाव के रूप में जब देखेंगे तो उस भाव के अर्थ में जब आप चित्रण बनाएंगे, तो उस भाव के अर्थ में जब चित्रण बनेगा, सही भाव के अर्थ में चित्रण बनेगा, तो भागीदारी के अर्थ में बनेगा। उस भागीदारी को मैं पूरा कैसे कर सकूं, दूसरे की योग्यता कैसे बढ़े कि वो भी पूरा कर सके, इस अर्थ में विचार फैलेगा, है ना। और उस भागीदारी के अर्थ में मैं जितना कर पाऊंगा उतना मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ऐसे चलना है इसको। अभी हम रिवर्स चलाते हैं, पहले कुछ बना लेते हैं, है ना, चित्रण में फैला लेते हैं, फिर पूरा कैसे होगा उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, फिर पूरा नहीं हो पाता है, आशा पूरी नहीं हो पाती, फिर हम परेशान होते हैं। अभी हम लोग ऐसे चलते हैं, तो इसीलिए एक्सरसाइज वन में देखेंगे तो हम इस बात को बार बार ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बना लिया हमने या जो भी है अभी, उसको ध्यान से देखा जाए बिना रिएक्शन करें। तो होता है क्या, जब अपने में ऊपर हम देख रहे होते हैं और हम अपने चित्रण को भी देख रहे होते हैं, इमीडिएटली हम उन व्यक्तियों को देखने लगते हैं जो इस चित्रण को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम उनको देखने लगते हैं, फिर उनको अपने में इन्वॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारे में रिएक्शन आने लगता है ना, फिर उस रिएक्शन का हम दुख भोगते रहते हैं। इसीलिए ये वन वाला जो पार्ट है ना, कि चीजों को पहले एज इट इज चलने दे, देखा जाए उसमें, तो हमको ये दिख जाए कि मेरे में कुछ अभाव है, अन्यथा कुछ बना हुआ है, उसके कारण विरोध बन रहा है मेरे में, तो उसको देखा जाए, चलने दिया जाए उसको। हम वो बीच में दो चार लोगों को ले आते हैं, फिर वो फैल जाता है, और तो अगली बार जब आप ध्यान दे रहे हो तो इस बात को देखिएगा, कोई और तो बीच में नहीं ला रहे हैं आप किसी को, तो सीधे सीधे देखने का उसको अभ्यास करिए। तो आप अपना चित्रण सही कर लीजिए, जो सहज स्वीकार है उसी के आधार पर चित्रण हो जाए, उसी के आधार पर हमारे विचार चलने लगे, उसी के आधार पर हमारा सिलेक्शन होने लगे, तो दूसरे के लिए पॉसिबिलिटी है कि वो उसमें काफी कुछ आपके लिए पूरा कर पाएगा। लेकिन हम कुछ अन्यथा ही चित्रण बना लेंगे, है ना, जो दूसरे के चित्रण में कहीं से भी नहीं बैठा हुआ है अभी, फिर तो बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी और उसमें खींचातानी तो होती है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल से रख देता हूँ, है ना, तो जैसे सहज स्वीकृति के आधार पर देखें, तो हर व्यक्ति समझ पाए, समझ के जी पाए, ये बात अगर हम फैला रहे हैं अपने चित्र में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हम चित्र में फैला रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है बिल्कुल आईएएस ऑफिसर बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, और उसमें उतनी योग्यता है भी नहीं, तो फिर आप खींचातानी तो करेंगे। जो सहज है वो कर ही सकता है पूरा, कुछ अन्यथा बना लेंगे तो पूरा कर भी पाएगा, नहीं भी कर पाएगा, वो तो खुद उसकी योग्यता और उसके संस्कार पर डिपेंड करेगा, है ना। तो अपने चित्रण को हम ठीक करें, उसके लिए ध्यान दें, ध्यान जितना देंगे और जितना उसके पीछे के बीज को जाएंगे, क्योंकि जो फैलाया है इसके पीछे बीज देखेंगे तो भाव के रूप में ही कुछ बना हुआ है। तो उसमें, और मैं अगर स्पष्टता से बोलूं, तो ज्यादातर समय तो दूसरे से भाव पाकर सुखी होना है, इसको आधार में रखकर हम चित्र फैलाते हैं, और वो चित्र इतना फैल जाता है कि हम ही उसके दबाव में आने लगते हैं और चार लोगों को दबाव में डालने लगते हैं, है ना। तो वो जो बीज है उसको अगर हम ठीक से पकड़ेंगे, तो वो जो चित्र इतना फैल गया है ना, वो भी सिमटेगा धीरे धीरे, सही होगा, आप पर भी उसका दबाव कम होगा और जो साथ में हैं आपके उन पर भी उसका दबाव कम होगा, है ना। तो सहज रूप से जो होना है वो तो आप भी कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकता है। जैसे शरीर का पोषण कैसे करें, ये चित्र आप खुद खूब फैलाइए और दूसरा उसमें सहयोग भी कर पाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो चित्र बन गया, ये अभाव में बना है या भाव के साथ बना है। जी बिल्कुल, जी, भैया मैं इस पे करती हूँ काम। और एक ऑब्जर्वेशन ये रखना है कि एक दिन क्या हुआ कि मैं थोड़ा किसी कारण से फिर अपने में अनरिजॉल्व थी, और कॉलेज में जाके पेपर असेसमेंट चल रहा था, तो पेपर असेसमेंट के लिए मैं बैठ गई।
और मुझे ये नोट हो रहा था कि मैं थोड़ा अपने में ठीक नहीं हूँ, मेरी स्थिति थोड़ी अनरिजॉल्व है। और उस वक्त मेरे एक संबंधी आके पेपर असेसमेंट के लिए आगे बैठ गए, और जैसे ही वो आके सिर्फ बैठे हैं, ना हम कुछ बोल रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ, वो सिर्फ बैठने से ही मुझे ऐसे नोट हुआ कि मुझ में एक विरोध या ऐसे गुस्सा एकदम से बढ़ने लगा। तो मैं फिर और मेरी स्थिति अनकंफर्टेबल भी होने लगी। उस वक्त फिर मैंने अपने से पूछा कि ये क्यों मेरी स्थिति ऐसे बन रही है, क्या हुआ यहाँ पे? वो व्यक्ति तो आके सिर्फ सामने बैठा है, क्या हुआ? तो जब मैं अपने से ये पूछने लगी सवाल, तो वहाँ पे कुछ पिछली कुछ घटनाओं की वजह से कुछ एक विरोध या मेरा उनके प्रति थोड़ा विरोध बना हुआ होने की वजह से वो सब मतलब स्थिति मेरी फिर अनकंफर्टेबल होने लगी। फिर बाद में जैसे ही क्या घटनाएं घटी वहाँ हमारी बीती, वो मैंने थोड़ा रिकॉल किया और फिर सब वो घटनाओं को मैं फिर एनालिसिस करने लगी। ये एक स्टेप्स मैंने देखे भैया। तो इसको मैं जब बाद में समझ रही थी, जब मेरी स्थिति अनकंफर्टेबल, मैं अनरिजॉल्व हूँ, ये मैंने नोट किया। साथ ही मैंने ये भी नोट किया कि मैं बैठी हूँ फिर भी कोई व्यक्ति सिर्फ पास से गुजरा है, बैठा है, तो मेरा भाव चेंज हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, विरोध बढ़ रहा था धीरे धीरे, और मेरी स्थिति अनकंफर्टेबल बन रही थी, और ये मुझे नोट भी हो रहा था, अरे ये मुझे स्वीकार नहीं हो रहा है, और वहां जाके फिर ये क्यों हो रहा है, हाँ, इसको मैंने समझने की कोशिश की। और बाद में उसका एनालिसिस मैं करने लगी कि ऐसे उसने किया, ये नहीं ठीक हुआ, फिर मैंने ये किया, ऐसे थोड़ा वो एनालिसिस मैं करती बैठ गई। इतना मैं उस स्थिति को, उस घटना को याद कर पाई भैया। तो यहाँ पे मैं ये समझ पा रही थी कि स्टेप वन के बाद जो हम कहते हैं ना स्टेप 5, कि अपनी मान्यता क्या बनी है वो करने लगी, और बीच वाले जो स्टेप्स थे कि ये भाव मुझे सहज स्वीकार नहीं है, इसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये स्टेप्स के प्रति मेरा एक्सेप्टेंस बन गया या यहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई, ये मुझे थोड़ा समझना है। जी भैया। जी जी दो चीज़ें बस मैं इसमें रख देता हूँ, फिर आप उसको थोड़ा सा देखिएगा। जी एक तो दूसरा व्यक्ति मेरे पास आया है, उससे मेरे अंदर विरोध हुआ है या मेरे अंदर विरोध चल रहा था, उसके आने से मेरा ध्यान और चला गया, ट्रिगर हो गया वो। हाँ ये दो बातों में एक तो हमको क्लियर पहले डिफरेंस होना चाहिए, अपने में होना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को भले पता ना हो क्या हो चल रहा है। हाँ तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हमको ये दिख जाए कि उसके आने से हुआ है या मेरे में था, और उसके आने से बहुत ट्रिगर हो गया, इंटेंसिफाई हो गया। एक तो ये बात है। दूसरी बात है, अगर हमको ये दिख गया है कि मेरे में अब विरोध हो गया है, बढ़ गया है, अब उस समय ना ये जो हम सारी स्टेप्स तक पहुंचने लगते हैं ना, इस पर थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है दीदी, है ना। तो उसके लिए हम ऐसी जब भी स्थितियां होती हैं तो ये हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने में देखें कि बिना इंटरप्ट किए क्या हम उसको पूरा देख सकते हैं। ये जो चल रहा है, विरोध का विचार चल रहा है, फिर उसके पीछे का भाव चल रहा है, इसको देख सकते हैं। होता है क्या है, हम उसको इंटरप्ट करते हैं, इसका कारण क्या है, इसके पीछे क्या है, मैं हूं कि कोई और है, ये सब बात करने लगेंगे ना, तो उसमें उलझेंगे ज्यादा। तो उसको हम पूरा देखते नहीं है, देखने से पहले हम उसमें उलझने लगते हैं, इफ बट वाई, कौन दोषी है, किसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, सब चलने लगता है। तो ये चलने लगता है, तो एक्चुअल में जब आप ये चलाते हैं तो आप और उलझते हैं, उससे जो विरोध के भाव का जो संस्कार पड़ा हुआ है वो और स्ट्रांग हो जाता है। उसको हमको स्ट्रांग नहीं होने देना है ना, जितना हो गया अवेयरनेस, अनअवेयरनेस में, लेकिन अब उसको स्ट्रांग नहीं होने देना है। तो उस ऐसी परिस्थितियां हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अब हम देखें मेरे में क्या चल रहा है। तो ये दिख गया विरोध का विचार चल रहा है, देखें इसके पीछे का भाव क्या है, और देखते रहिए, वो हम उसमें इंटरप्ट करना चालू कर देते हैं, फिर वो तर्क के आधार पर स्टेप 5 6 तक आप पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे आपका विचार ये भाव सेटल हो जाएगा, ऐसा होने की संभावना कम है। वो तो आप अपने को सप्रेस कर देंगे कि मेरी कोई मान्यता है, इसके कारण हो जाता है,
लेकिन वो देख के अगर उसको इवेल्युएट करेंगे तो उससे मुक्ति मिलने की संभावना है, लेकिन अगर उसको सप्रेस करते जाएंगे तर्क के आधार पर तो वो बैकग्राउंड में बना रहेगा। तो आज ए व्यक्ति के आने से ट्रिगर हुआ है, कल बी व्यक्ति से ट्रिगर हो जाएगा। तो ये जो स्टेप वन स्टेप हम टू कर रहे हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग ठीक से बार बार देखें कि मैं देखता हूँ या उसको इंटरप्ट करने लगता हूँ। इसको हम लोग को थोड़ा सा और गहराई से देखना। तीसरी बात, अगर आप और परेशान हो ही रहे हैं है ना उस समय और देख रहे हैं, तो इस बात का भी अपने में ध्यान रखिए कि मेरे में पोटेंशियल है इससे बाहर निकलने का, बस मुझे ध्यान देना है। तो मैं बिना इंटरप्ट किए, मेरे में ये पोटेंशियल है कि बिना इंटरप्ट किए मैं इसे पूरा देख भी लूंगा और इससे रिजॉल्व भी हो जाएगा। तो उस समय मेरा जो पोटेंशियल है उसको भी फिर ध्यान में रखिए। वो होता है क्या, मैं इससे निकल सकता हूँ, मेरे में पोटेंशियल है, ये स्लिप हो जाता है तो हम उसमें फिर बहुत सारे लोगों को ले आते हैं बीच में, बहुत सारे रीजंस ले आते हैं, क्योंकि हम निकलना तो चाहते ही हैं, हम उसमें रहना तो चाहते ही नहीं, तो तय बात है। लेकिन उस समय ये ध्यान में आया कि मेरे पोटेंशियल है, अगर मैं इसे ध्यान दूंगा, इसके विचार, इसके पीछे के भाव, और फिर वहां जाके ठीक से वैल्यूएशन हो जाए तो मैं इसे निकल सकता हूँ खुद से ही। तो खुद से ही निकल सकता हूँ ये बात और उस समय ध्यान में बनी रहे। अगर ये बात स्लिप हो जाती है ना कि मैं खुद से निकल सकता हूँ, तो फिर उसमें मैं बहुत सारा रीजनिंग डालने लगता हूँ निकलने के लिए, या सप्रेस करने के लिए रीजनिंग डालने लगता हूँ। फिर मुझे लगता है ये बात ध्यान में अगर हम लोग रखेंगे तो मुझे लगता है हम लोग और गहराई से उसको इवेल्युएट कर पाएंगे। तो मैं समअप कर देता हूँ, तीन स्टेप मैंने बात की आपके इसमें। एक तो ये कि दूसरे के आने से ट्रिगर हो रहा है या मेरे में था पहले से ही चल रहा था, उसके आने से ना उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि मेरे में जो विचार भाव अभी चल रहा है, ज्यादातर जब अन्यथा चलता है तभी हमारा ध्यान जाता है, इससे निकलने का पोटेंशियल मेरे में पहले से है, ये ध्यान बना रहे, ये पोटेंशियल मेरे में है, इसके साथ मैं इसको पूरा देखूंगा अब। तो अगर पहली वाली बात मिसिंग कर देना कि पोटेंशियल मेरे में है, ये बात हमारी स्मृति में ना रहे, तो फिर हम उसको तर्क के आधार पर सप्रेस करेंगे या उससे कोई रूट निकालेंगे, क्योंकि हम उसको रखना नहीं चाहते हैं। तो उस समय ये ध्यान बना रहे कि मेरे में पोटेंशियल है, मैं इसको पूरा देख सकता हूँ और आज देखता हूँ, बीच में हम क्यों इस बंटवारी लगाएंगे। तो उसको पूरा निकलने दीजिए, हो सकता है उस समय आप असहज हो रहे हो, रोना आ रहा हो, जो हो रहा है होने दीजिए, बॉडी के लेवल पर जो हो रहा है उसको होने दीजिए, कॉन्शियसनेस के लेवल पर जो हो रहा है होने दीजिए, होने दीजिए, कुछ करिए मत, है ना। चीजें हो रही है एक प्रक्रिया के तहत, हम करने लगते हैं ना बीच में, जो तो जो होना हो रहा है वो भी पूरा हो नहीं पाता है फिर। तो इतनी बात मुझे लगता है हम ध्यान रखें तो हम लोग को रिलैक्स हो पाएंगे आने वाले समय में। जी जी भैया, बहुत गहरे में डिटेल में आपने बताया, मैं इस पे काम करती हूँ और कुछ रहा तो मैं आगे रखूंगी जरूर। जी थैंक यू भैया। जी जी ठीक है बढ़िया जी। भैया जो कल का गृह कार्य था उससे रिलेटेड ही मुझे एक प्रश्न करना था कि जब हम मतलब हमारे जो नजदीकी होते हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो जाता है, तो उस समय मुझे एक चीज समझ में आई भैया कि वो इतनी जल्दी होता है ना कि आप अपना भाव नहीं बिगाड़ना चाहते और चीजों में जैसे और टाइम आप देख रहे हो या समझ रहे हो, बट उस टाइम पे वो इतनी जल्दबाजी में होता है ना कि आपका ध्यान जो है वो अपनी कल्पनाशीलता पे जाता ही नहीं है और वो बात बढ़ जाती है। फिर जब आप थोड़ा सा शांत हो जाते हो उसके बाद वो सारी चीजों को देखते हो, रिजोल्व कर पाते हो, तो फिर ये समझ में आता है कि क्योंकि बहुत गहरी मान्यताएं बनी हुई है पिछले कुछ चीजों को लेके, तो शायद इस वजह से वो बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं और क्योंकि वो रिजॉल्व नहीं हो पाई है इसलिए फिर से जब भी ऐसा कंटेंट आता है तो आप उस कंटेंट के साथ उसी तरह का बिहेवियर शो कर पाते हो। तो भैया मैं यही जानना चाह रही थी कि मैं इसको सही सही समझ पा रही हूँ। देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ है ना, क्योंकि इस भैया प्रोसेस में हम सब हैं। वो जो क्लोज लोगों के साथ रहते हैं ना, जो हमारे क्लोज होते हैं, तो आपने जो कहा है कि इतनी जल्दी हो जाता है कि पता नहीं चलता है, तो बेसिकली होता क्या है, वो पता इसलिए नहीं चलता है कि जब हम दूसरों के साथ हैं, स्पेशली उनके साथ ज़्यादा करीब हैं,
हमारा पूरा ध्यान उन पे बना रहता है। अब ये क्या बोलेंगे, ये क्या कहेंगे, इनके अंदर क्या कॉम्पिटेंस है, इस पे बना रहता है। उस समय हमारा ध्यान अपने ऊपर नहीं बना रहता है, तो उन पे सारा ध्यान बना रहता है। तो वो कुछ कह रहे हैं, है ना, और उस समय मेरा अपने ऊपर ध्यान है नहीं, तो उनके कहने से जो संस्कार ट्रिगर होता है, फिर वो तो बाहर आ ही जाता है। तो वो जल्दी इसलिए लग रहा है क्योंकि जब सामने वाला बात कर रहा है तो उस समय ध्यान मैं अपने ऊपर नहीं रख रहा हूँ। तो उसकी बात को सुनना, सुन के मेरे में जो विचार चल रहा है, उसके पीछे जो भाव आया है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। उस वो क्या कह रहा है उस पर बहुत ध्यान बना रहता है। तो जनरली देखेंगे दो तीन तरह का चीजें रहती हैं उसमें। जब सामने वाला कुछ बोल रहा है तो अभी हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, अपने भाव के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उसके क्वेश्चन को कैसे काउंटर करें ये फ्रेम कर रहे होते हैं। फ्रेम करते समय भी ध्यान नहीं दे रहे होते हैं कि उसके पीछे का भाव क्या है ना। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब सामने वाला बोल रहा है, स्पेशली जो क्लोज होना, तो जैसे वो बोलना चालू करता है, हम उसके प्रति जो पास्ट बिहेवियर से जो दुखी है, वो सारे दुख हमारे बाहर आने लगते हैं। तो हम उसको पूरा सुन भी नहीं पाते हैं और अपने में जो चला उसको देख भी नहीं पाए, तो दुख बाहर आ गया, फिर हम उसको व्यक्त कर देते हैं। तीसरी बात यह है कि वो सामने वाला बोल रहा है ना, हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसके बोलने से हम कहीं लॉस्ट ही हो जाते हैं। बहुत सारे निर्णय ले रखे हैं कि बोलेगा तो ये ऐसे ही, सुन के भी क्या करना है, ये सब चल जाता है ना। तो अब उसमें क्या है, वो बोल रहा है लेकिन हम में इतना सब कुछ पॉसिबिलिटी बनी हुई है, हम इसके साथ अपने को नहीं देख रहे हैं, तो हमको लगता है बहुत जल्दी हो गया है। तो इतना भी जल्दी नहीं हुआ है। अगर आप उसको बोलते समय अपने पे ध्यान रखेंगे तो आप देख पाएंगे इनमें से क्या चल रहा है मेरे में। तो अगर इनमें से कुछ चल रहा है तो इसको तो पहले अपने में रिजॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी उसके बोलते समय मेरा अपने ऊपर ध्यान रहेगा। और फिर हम ध्यान देकर अपने में किस भाव के साथ उसको रिस्पॉन्स करना है उसको तय कर पाएंगे। तो अभी ध्यान नहीं देते अन्यथा कुछ चलने लगता है। ये तीन पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है जनरली। या तो हम काउंटर आर्गुमेंट तैयार कर रहे होते हैं, या उसके पास्ट व्यवहार से दुखी होकर पहले ही दुखी हो जाते हैं, या कुछ निर्णयों के तहत पहले इग्नोर कर देते हैं। तो हम ये अपने में तीनों ही देखने वाला काम कर पॉसिबिलिटीज नहीं रहे होते। दिखती है। जी तभी तो मैंने बताया है। जी तो पहले तो ये दिख जाए ये तीनों में अपने में चल क्या रहा है, फिर उसको और ठीक से एवेल्युएट किया जाए। अभी हमको क्या लग रहा है, वो बोल रहा है कुछ हो जा रहा है, मेरे मुंह से भी कुछ निकल जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है, वो बोल रहा है फिर मेरे में कुछ तो चल रहा है, ये तीन पॉसिबिलिटी में कोई पॉसिबिलिटी तो है। तो ये दिख जाए कि इन तीन में से कोई एक पॉसिबिलिटी मेरे में क्या हो रहा है। अगर हो रहा है तो एक चौथी पॉसिबिलिटी भी है मेरे में, कि अब मेरे में जो चल रहा है मैं उसको ध्यान दूंगा, उसके पीछे के भाव पर ध्यान दूंगा, भाव के लेवल पर जाकर मैं अपने से पूछूंगा सहज स्वीकार है कि नहीं है, और सहज भाव के साथ फिर अपनी कल्पना चित्त में फैलाऊंगा अब इस व्यक्ति के साथ क्या रिस्पॉन्स करना है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। क्यों तो देखिए आप इन तीनों के साथ क्या काम कर रहे हैं, चारों के साथ। जी भैया, एक और चीज बोलनी थी। जैसे उससे पहले जो ये घटना होती है या कुछ भी इस तरह की चीजें होती है, उससे पहले बहुत ही सहज भाव रहता है, सब चीजें ठीक हो जाती हैं। बट अचानक से कोई बात आती है और वो बात एकदम से चलने लगता है विचार, और उसके बाद फिर इस तरह का रिएक्शन आता है। तो पहले ऐसा मतलब बिल्कुल भी ऐसा आइडिया भी नहीं होता है कह लो, या जरा भी ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। और जब होती है तो फिर वो इतनी जल्दी 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 होती है, वही कि क्योंकि ध्यान अपने पे जा नहीं रहा है, तो शायद इसलिए ऐसा लगता है कि ये सब चीजें फटाफट फटाफट हो रही है, और हम उसके अगेंस्ट में क्या चीजें बोल पाए, क्या चीजें रख पाए, उसी पे ध्यान जाता है कि हाँ अब ऐसा बोलना है तो अब ऐसा करना है, ये सब चीजें। और फिर उसके हाँ बाद सोचो तो फिर लगता है क्या ही था ये, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी, या इतना कुछ था ही नहीं, और फिर इतना सारा रिएक्शन क्यों दे दिया, बिल्कुल सही बात। और अभी फिर ध्यान से नॉर्मल देखेंगे हो ना। जाती है। जी, पूरा कर लीजिए। हाँ भैया, बस यही कह रही थी कि इसके बाद फिर लगता है कि अरे ये तो फालतू की चीजें थी, सब जरूरत नहीं थी इतना सब की, और फिर भी कर दिया। तो उसको रिजोल्व कैसे करें भैया, क्योंकि वही बात है कि मान्यता में बहुत सारी चीजें हैं, व्यवहार बार बार वही कुछ पान रखा है कि हाँ इस तरह का ही रिस्पॉन्स आएगा,
और वो चीजें जब भी आती हैं तो फिर वो इसी तरह से फिर निकलती हैं सारी की सारी एक साथ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो गई है। और सप्रेस होने की वजह से ठीक है, जब नॉर्मली चल रहा है तो सब ठीक है, और जब इस तरह का सिनेरियो आता है तो फिर वो उसमें इस तरह का भाव विचार बिगड़ जाता है। तो उसको कैसे रिजोल्व कर पाए ये जानना चाह रहे थे भैया। जी, उसी के लिए हम लोग स्टेप वन स्टेप टू पर बात कर रहे हैं, है ना? कि जी अभी भैया। हमको जितना जल्दी दिख रहा है ना कि क्विकली हो रहा है, आपका देखने का पोटेंशियल उससे भी ज़्यादा है। तो ये जितना भी गति लग रहा है ना, इसको आप और स्लो मोशन में देख सकते हैं, अगर आप अपने देखने के पोटेंशियल की जगह से देख रहे हैं। तो अभी क्या है, हम भी वहीं पर हैं, विचार भी वहीं पर है, तो हम भी विचार में फ्लो हो जाते हैं। तो जैसे वो दिया था ना मैंने एग्जांपल अपने फर्स्ट सेशन में, कि जब समुद्र में वेव्स उठती हैं, हाँ जी। अब आप वेव्स में कूदे हुए हैं, तो अब क्या है, जहाँ वेव जाएगी वहीं आप जाएंगे, अब चॉइस क्या है आपके पास? अगर आप उसको देख रहे हैं तो चॉइस है आपके साथ कि उसको जाने देते हैं, फिर सेटल हो जाएगी चीज़ें, फिर उसके हम रिस्पॉन्स करेंगे। तो जनरली तो हम पहले ही उसमें कूदे रहते हैं, तो इसलिए लगता है बहुत जल्दी हो रहा है। वो तो एक्चुअल में आप बहे जा रहे हैं, आप करेंगे क्या, चॉइस ही नहीं। तो इसीलिए वो देखने की प्रक्रिया पर अगर हम ध्यान दें, अपने देखने के पोटेंशियल पर ध्यान दें, तो फिर हमको दिखेगा इतना जल्दी लग रहा है, इतना जल्दी है नहीं। हम उस जल्दी को भी जल्दी से शिफ्ट होते हुए आराम से देख सकते हैं, है ना? तो जितना हम ध्यान देने वाला काम करेंगे, देखने वाला काम करेंगे, तो उसमें ये तीन चीज़ें आप और जोड़ लीजिए, कि मैं ये तीन चीज़ें तो नहीं कर रही हूँ जब देख रही हूँ, तो काउंटर आर्गुमेंट, पुराना व्यवहार, ये सब जो चल रहा है ना, इन सब की अवेयरनेस के साथ देखिए। तो चल रहा है तो उसको और गहराई से देखते रहिए, क्या है मेरे में चल रहा है, और गहराई से देखते हैं। तो बेसिकली उसके पीछे के जो भाव तक पहुंचेंगे ना, तब जाकर चीज़ें धीरे धीरे रिजॉल्व होंगी। वो होता है कि अभी अपने में बहुत सारा अभाव बना रहता है, तो हम भाव से स्टार्ट नहीं करते हैं, बहुत सारी आशा से स्टार्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन हमारा व्यक्ति पूरा नहीं कर पा रहा, तो हम परेशान होते हैं, तो हम रिएक्शन देते हैं रिस्पॉन्स की जगह। तो इसको थोड़ा सा और देखिए, क्या आप में ये पोटेंशियल है कि आप में जो इतनी तेजी से शिफ्ट हो रही, शिफ्टिंग हो रही कल्पना क्षमता में, उसको भी मैं आराम से देख पाऊँ। तो अगली बार जब आप किसी से बात कर रहे हो, तो ध्यान से थोड़ा अपने को भी देखिएगा कि क्या चल रहा है मेरे में, देखते हैं। और भैया बस एक लास्ट और चीज की, जब इस तरह का भाव आता है तो ये जैसे सोचते हैं या ये समझना आता है, ये अपने लिए बात की जाती है कि नहीं ये भाव तो मुझे सहज रूप से स्वीकार्य नहीं है, मुझे तो सहजता चाहिए, तो फिर वो स्टॉप हो जाता है। तो क्या मैं क्योंकि इसको आप सही उसको समझ रही भगाने की थी कोशिश भैया? करते हैं, सहज अच्छा। स्वीकार नहीं है ये पूछ लिया, फिर आप अंदर अंदर ही अंदर फिर आप उसको रिएक्शन देते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है सहज स्वीकार नहीं, तो रखें क्यों उसको? तो सहज स्वीकार नहीं है, उसको पूछ के होल्ड मत करिए, देखिए फिर क्या हो रहा है। वो इमीडिएटली हम लोग की यह आदत है कि जो सही सही नहीं है उसको हम भगाने की कोशिश करते हैं, और भगाएंगे भी कहाँ, वो तो आपकी कल्पनाशीलता में, ज़्यादा ज़्यादा आप इधर से उधर शिफ्ट कर देंगे, है ना? हाँ, भागेगा भी दूसरे कहाँ विचार वो, में उसको शिफ्ट तो रिजॉल्व ही जाएगा। करना है, भगाएंगे भी कहाँ उसको? हाँ तो उसमें आप जाकर पहले तो आराम से देखिए कि विचार मैं देख रहा हूँ, फिर विचार के पीछे के भाव को देख पा रहा हूँ। ये जब तय हो जाए कि अब मैं भाव को देख रहा हूँ, फिर अपने से पूछे सहज स्वीकार है कि नहीं, मैं निरंतरता चाहता हूँ कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछ के फिर ऑब्जर्व करिए अब क्या हो रहा है। वो ये क्वेश्चन पूछ के हम कहीं इसको दूर तो नहीं भागते हैं, ये देखना पड़ेगा। तो इसको और थोड़ा ध्यान से देखिए, फिर बताइएगा कल क्या हुआ। जी भैया, मैं कोशिश करती हूँ। धन्यवाद भैया। नमस्ते सभी को। नमस्ते। भैया मैं जस्ट अपने ये भाव और विचार करते ही जो स्टेप हम लोग कर रहे हैं, तो अपना अपना लास्ट दिन का शेयरिंग जस्ट दो शेयरिंग में रखना चाहता हूँ। क्योंकि एक इंसिडेंट, मैं अपने वर्क प्लेस पे गया और फिर मतलब सुबह सुबह 8 बजे गया, फिर उसके बाद से अच्छे से काम करना शुरू किया। फिर ऐसा मतलब सेल्फ अवेयरनेस उतना चाहते तो
समय था नहीं जहाँ तक मैं देख पाया अपने आप को। तो जैसे ही मैं अभी जो जो बातें सारी चल रही हैं कि मतलब किसी दूसरे को जो हमसे क्लोज है या फिर था पहले, तो उनके उनको देख करके मन में आ जाती है। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि मतलब क्लोज लोगों के प्रति ही क्यों आता है। तो अभी मैं थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग, अभी बहुत सारी क्लियर क्लैरिटी आई। तो एक इंसिडेंट तो ये हुआ कि भैया मतलब एक ये जो पहले क्लोज थे अभी क्लोज ऐसा नहीं लगता है मुझे। तो फिर उसमें मतलब बहुत ज्यादा भाव में कभी कभी मतलब रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो और वो रिएक्शन जो है वो शरीर शरीर पे भी दिख जाता है कि आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल अबाउट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन और दिस काइंड ऑफ मतलब इस तरह का जो भाव मेरे अंदर आया। और वो तुरंत ही मतलब एक तरह से क्या बोले कि ये बहुत ज्यादा रिएक्शन है अंदर हमारे की, क्या है कि हम ने अपने अंदर स्थिर नहीं रह पा रहे हैं। तो वे जो जो और ये जो हम ये प्योर ऑब्जर्वर के पास हमें रहना है तो उस पे रह नहीं पा रहे हैं। तो वे इसकी गति को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे थोड़ा आप बात अगर कुछ रख पाए। जी भैया, तो पहले लास्ट वाली लाइन का मैं आंसर कर देता हूँ, फिर पहले वाली लाइन को मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करके है ना हेल्प करूँगा। तो देखिए, उसकी गति कैसे बढ़ाई जाए, है ना, तो उसमें सिर्फ ध्यान देने की आवश्यकता है। जितना हमारा ध्यान में देखने में सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी, उतना चीज़ें सेटल होती जाएंगी। तो सूक्ष्मता बढ़ाने की बात है। तो उसके लिए अपने में निर्णय बनाए रखिए कि ध्यान तो मुझे अपने में देना है। तो आप नहा रहे हैं, धो रहे हैं, है ना, खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, चल रहे हैं, खाने पे ध्यान शिफ्ट हो जाता है, बाहर ध्यान शिफ्ट हो जाता है। फिर अपने में निर्णय बनाइए कि ध्यान मुझे अपने में ही देना है, और निर्णय पूर्वक खींच के वापस मत लाइए, बाहर क्यों चला गया, अपने में ही देना था, ऐसा नहीं है। बस निर्णय ले लीजिए, ध्यान तो मुझे अपने में ही देना है। तो शुरू शुरू में ऐसा होगा कि आपका ध्यान तेजी से शिफ्ट हो रहा होगा। आपका तो पहले इस बात पे ध्यान जाना शुरू होगा कि ध्यान देखो बाहर कितना जाता है। फिर आप हर बार अपने में निर्णय बनाइए आराम से कि ध्यान मुझे अपने में देना है, इस बार बाहर चला गया था, फिर अपने में रखेंगे। जब हम इस प्रोसेस को करेंगे ना, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली और नेचुरली हमारा ध्यान अपनी तरफ जाने लगेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगी। इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगी तो एक अचीवमेंट हुआ कि अब ध्यान ज्यादातर समय अंदर आने लगा है। एक स्टेप ही हो गया। इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगे और जितनी बार भी ध्यान अपने में जाए, फिर अपने ऊपर निर्णय बनाइए कि अब मुझे देखना है इसमें क्या चल रहा है, जितनी देर भी मैं अंदर आता हूँ, और उसको फिर से ध्यान देने का बात करिए। उसको भी कोई जोर जबरदस्ती मत करिए कि अब तो देखना ही है, क्या है, दिख क्यों नहीं रहा है ना, मैं देख रहा हूँ अब तो ब्लैंक हो गया है, ये सब नहीं। देखते रहिए, ब्लैंक हो गया तो ब्लैंक को देखते रहिए, क्या दिक्कत है। वो बेसिकली ब्लैंक नहीं है, अनअवेयरनेस में हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन देखते रहिए। वो देखते देखते आपका ध्यान इस कल्पनाशीलता में जो फैल लेंगी ना चीजें, तब आपको दिखेगा आशा भी चल रही है, विचार भी चल रही है, इच्छा भी चल रही है, भाव भी चल रहा है। फिर उसमें जो सहज रूप से दिख जाए, आशा दिख रहा है तो ठीक है, उसको देख लीजिए, आशा है मेरे में, लेकिन देखना तो मुझे और भी गहराई में। फिर निर्णय बना लीजिए, अब तो मुझे और भी देखना है। तो कम से कम कल्पनाशीलता में देखना चालू कर दिए तो एक अचीवमेंट और हो गया। फिर निर्णय बनाइए, अब कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है देखेंगे, तो आशा पे ध्यान चला गया आपका। तो जब भी आप में ये फैल रहा हो कि ये व्यक्ति कुछ कर देगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये व्यक्ति ठीक हो जाए तो कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये सब आशा है। इस पर आप पहचान लीजिए, आशा के रूप में बना हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, अब दिख गया, एक अचीवमेंट और हो गया। लेकिन अपने में फिर से निर्णय बनाए रखिए कि पहुंचना यहाँ तक नहीं है, पहुंचना तो इसके पीछे के विचार पर है, जो सूक्ष्म है। तो धीरे धीरे आपका विचार पे ध्यान जाने लगेगा, है ना, तो विचार पे ध्यान जाने लगेगा तो एक अचीवमेंट और हो गया। फिर उसको निर्णय बनाए रखिए कि अभी तो पहुंचे हैं, लेकिन इससे भी सूक्ष्म कुछ है, भाव, उस पर ध्यान देंगे। और निर्णय बनाए रखिए, जबरदस्ती करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए कि हम आज तो हमको भाव देखना ही है, हमको भाव दिखता क्यों नहीं, ये सब नहीं,
निर्णय बना रखी है, विचार देख पा रहा हूँ, ठीक है, जितनी देर इतनी देख पाया, अब भाव को भी देखूंगा मैं। तो जब आप विचार देख पा रहे हैं तो उसी समय अपने में निर्णय बनाइए, इसके पीछे के मैं भाव को भी देखूंगा, और उसको निर्णय से करके उसको होल्ड मत करिए, उसको होने दीजिए। ये होने देना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया का इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि होने देना है, होने देना है, देखना है, होने देना है। इस भैया तरह से क्या अगर होने हम देना, फिर चलेंगे, से फिर से। हाँ होने देना है मतलब जब आप कल्पनाशीलता में देख रहे हैं, है ना, तो अब आप विचार को देख रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि विचार के पीछे के भाव को देखना है, उसको विचार को इंटरप्ट नहीं करना है। अरे ये विचार चल रहा है, इसके पीछे का क्या भाव होगा, क्या विश्वास का भाव है, क्या सम्मान का भाव है, ये सब इंटरप्ट नहीं करना है। जो भी विचार आ रहा है और इंटेंसिफाई हो रहा है, उसको होने दीजिए, जितना भी हो रहा है होने दीजिए। निर्णय ये बना के रखना है कि इसके पीछे के भाव को देखना है। तो एक समय बाद जितना उसको निकलना होगा वो निकलेगा, फैलना होगा फैलेगा, लेकिन आप अगर ये निर्णय बनाए रखेंगे कि इंटरप्ट नहीं करना है और इसके पीछे के भाव को देखेंगे, तो उसके पीछे के भाव भी आप सहज रूप से देख पाएंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया में एक इम्पॉर्टेंट बात ये, होने देना, रोकना नहीं, है ना, जल्दबाजी में आगे के स्टेप नहीं कर देना, जल्दबाजी में फल की इच्छा नहीं करने लगना। क्योंकि अभी तक क्या होता रहा है कि चीजें हो रही थी, हम उसको सप्रेस कर रहे थे, तो जैसे ही मेरे अंदर विरोध आता था मैं उसको सप्रेस कर लेता था तर्क के थ्रू, बाहर की सिचुएशन ना खराब हो जाए, इसको बुरा ना लग जाए, इसको बुरा ना लग जाए, तो मैं चीजों को होने नहीं देता था, रोक लेता था, सप्रेस कर लेता था। अब ऐसी बहुत सारी चीजें अपने में सप्रेस होके पड़ी हुई हैं, जिनको हमने किसी तरह से दबा दिया है। अब इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बात है, उनको होने दीजिए, तो जो सप्रेस है वो बाहर आएगा धीरे धीरे, हो सकता है आपकी असहजता बढ़े, होने दीजिए, निकल जाने दीजिए पूरा उसको, लेकिन निर्णय ये बना करके अब इसके पीछे के भाव को भी हमको देखना है। तो ये आप जितना होने देंगे, होल्ड नहीं करेंगे कल्पनाशीलता में चीजों को, उतना ही देखने की सूक्ष्मता हमारी बढ़ती जाएगी, और इस होने की प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको सहज लगेंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो असहज होंगी। असहज जो लग रहा है वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं पास्ट में चीजों को सप्रेस करके रखा हुआ है। उस असहजता के चलते आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए, शरीर में वाइब्रेशन हो रहा है तो होने दीजिए, आपको लग रहा है आज मैं लेट के सिर्फ बैठना चाहता हूँ, ऐसा मन कर रहा, बैठ जाइए, होने दीजिए बस। ये होने को आप होने देंगे ना, तो हो एक सरफेस लेवल की सफाई होने लगेगी और आपका ध्यान और सूक्ष्मता से जाने लगेगा। वो जब हम होने नहीं देते हैं, अब कुछ करने लगते हैं, अब मैं विचार को ऐसे चलाऊंगा, अब मैं भाव को ऐसे देखूंगा, अब तो मैं शून्य को देखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, जब करने लगते हैं ना तो बहुत सारा इंटरप्शन क्रिएट हो जाता है। तो जितना जितना हम होने देंगे इस प्रक्रिया में और निर्णय बनाए रखेंगे कि अब हमें विचार करा, विचार के पीछे का भाव को भी देखना है, निर्णय बनाए रखिए और होने दीजिए, तो हम बहुत सारा अपना जो अन्यथा संस्कार से उभर उभर के आ रहा है ना, ये धीरे धीरे चला जाएगा। तो बात काफी कुछ तो चला जाएगा क्योंकि हम होने दे रहे हैं, काफी कुछ हमारे इवोल्यूशन से ठीक हो जाएगा। तो इतना अगर हम करेंगे तो ये आपकी लास्ट लाइन के आंसर है कि गति कैसे बढ़ाएं, तो ये मैंने एक प्रोसेस बताया आपको गति बढ़ाने का। बताइए पहले, इतनी बात ठीक लग रही है आपको कि नहीं? जी भैया, मतलब अभी तक कुछ ऐसे कि आपने जो बोला, मतलब जो भी भाव आपको हो रहा है, मतलब आई थिंक वो प्रोसेस तो अभी मैं थोड़ा बहुत मतलब उस पे मैं पहुंचा हूँ। जैसे कि भैया ने भी बहुत बार समझाया समझाया ही है कि मतलब जो सरफेस लेवल की सफाई है, मतलब अगर आपको आंसू आ रहे हैं या फिर अगर आपको लगता है कि रोने की जरूरत है तो फिर वो आप कर लीजिए। तो थोड़ा बहुत तो कभी कभी मतलब ये सारे भाव तो मतलब होते हैं जिसमें कि मतलब आंख से आंसू आ ही जाते हैं, तो जी जी फिर मतलब वो सरफेस लेवल पे तो थोड़ा बहुत हो रहा है अब। लेकिन जब वो तभी है कि जब हम एकांत में बैठ करके सोचते हैं और अपने भाव को देखने की कोशिश करते हैं, और जब दिखता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, तब ऑटोमेटिकली मतलब वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर पता नहीं वो उतना भी दिखता नहीं है अभी, लेकिन फिर भी तो वो तो थोड़ा हाँ बहुत ऐसे हो रहा है धीमे धीमे। हाँ हो रहा लेकिन है, भैया बढ़िया जो बात ये, है। हाँ जी जी तो भैया ये जो मतलब, लेकिन अभी अभी मान लीजिए कि मैं काम पे हूँ, है ना, अभी काम पे बाहर की सारी चीजें, इतनी सारी चीजें जल्दी रहती हैं,
मैंने कुछ लोगों से बात करना है, रिसर्च का काम करना है, देखना है, तो उसमें कहीं ना कहीं सारा फोकस आउटसाइड ही हो जाता है। दो जब भी मतलब जब जब मान लीजिए कुछ रिसर्च का काम चल रहा है, फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत एक्सटर्नल फोकस जाता है, फिर उसके बाद से फिर अंदर, जैसे कि आपने बोला कि निर्णय बनाए रखना है हमेशा, तो वो हमेशा निर्णय में बनाने की कोशिश तो करता करता हूँ, करते रहता हूँ। और ये जो फ्रीक्वेंसी आपने बोला वो बढ़ाने के लिए ठीक है, मतलब इसमें मैं, और ये जो खींच करके बस निर्णय नहीं लाना, ये आई थिंक मैं कभी अभी आई थिंक थोड़ा बहुत कभी कभी कर रहा था, लेकिन बस निर्णय बनाए रखना है, इस बात पर भी आप थोड़ा सा स्ट्रेस दे पाएंगे क्या, जो खींच कर निर्णय हम लोग ले आते हैं, इसका मतलब जी एक तो है कि मतलब सेल्फ में निर्णय बना रहना और खींच करके ले आना, तो क्या डिफरेंस क्या है? खींच के लाने का मतलब यह है कि आज आपने निर्णय लिया कि मैं अपने ऊपर ध्यान बनाए रखूंगा, है ना। थोड़ी देर बाद आपको ध्यान आया है कि मेरा ध्यान तो चिड़िया की आवाज पे बना हुआ है, बाहर बस निकल रही थी उसका जो हॉर्न आ रहा था उस पर बना हुआ है। अब आप खींचने लगे हैं, यहाँ ध्यान क्यों जा रहा है, ध्यान तो मुझे अपने ऊपर देना था, है ना। अब आप जबरदस्ती उसको अंदर ले आए, फिर आप तय करने लगे अब तो मुझे बाहर सुनना ही नहीं है, देखना है तो मुझे अंदर में। ये जो जबरदस्ती करते हैं ना, ये इसको कह रहे हैं खींच के लाना। सहज रूप से लाने का क्या मतलब है, ध्यान जा रहा है बाहर चिड़िया के आवाज पर, इसको स्वीकार ले, ध्यान चला गया है लेकिन मैं अपने ऊपर बनाए रखूंगा, और जब सहज रूप से वापस आ जाएगा तो फिर मैं अपने ऊपर ध्यान देने लगूंगा। फिर थोड़ी देर बाद ध्यान बाहर किसी घटना पे, है ना, कुछ होगा, बस का हॉर्न बज गया, फिर ध्यान चला गया, तो उसको देख लीजिए चला गया है, और देखिए कि देखना तो मुझे अपने को है। फिर थोड़ी देर बाद वो सहज रूप से अपने में आ जाएगा। उसको खींच के लाने की जबरदस्ती नहीं है कि देखो बस से मैं डिस्टर्ब हो गया, क्यों बाहर ध्यान चला गया, कहीं और बैठ जाते हैं जाके जहाँ इस तरह की आवाज़ें भी ना आ रही हूँ। ये जो खींचातानी करते हैं ना, इससे मुक्ति की बात कर रहा हूँ मैं। ये खींचातानी मतलब ये आई थिंक हम लोग रिएक्शन में कर रहे होते हैं। हाँ, तो हम लोग इसके साथ बैठते हैं कि ध्यान में अपने में ही दूंगा। अब इस बात का दुख होने लगता है बाहर क्यों चला जाता है, तो बाहर हाँ चला वही, जाता है क्योंकि अभ्यास है, हम ध्यान देना चालू ये करेंगे तो अभ्यास अंदर का भी हो जाएगा। भाई जी, एक तो ये बात है, और दूसरी बात यह है कि जब हम बाहर भी इंटरेक्शन कर रहे हैं, जो आप ये आप बात कर रहे थे कि बाहर बहुत सारा इंटरेक्शन करना पड़ता है, तो बाहर भी जब हम इंटरेक्शन कर रहे हैं तो अल्टीमेटली निर्णय तो अपनी कल्पनाशीलता में ही ले रहे हैं ना, कि बाहर भी क्या करना है। और जब बाहर से हम सुन रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो वो सुन के भी हमें क्या करना है, ये भी तो निर्णय अपने में ही ले रहे हैं, है ना। तो उसमें भी अवेयरनेस फिर बनी रहे कि जब कोई बोल रहा है तो मेरे में क्या विचार भाव चल रहा है, जब मैं किसी से बोल रहा हूँ तो किस विचार भाव से बोल रहा हूँ। तो अल्टीमेटली देखेंगे तो आप हर बार अपनी कल्पनाशीलता में जाते हैं, फिर निर्णय लेते हैं, फिर बाहर कुछ बोलते हैं, बाहर कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है, फिर आप में जाता है, फिर आप कुछ निर्णय लेते हैं, फिर उससे भाव विचार बनता है, फिर आप कुछ बोलते हैं। तो कल्पनाशीलता में तो आपका हर बार से चल रहा है चीज़ें, उतना चलाकर ही आप बोल रहे हैं और उतना सुनकर आप कुछ निर्णय ले रहे हैं। तो बाहर इंट्रैक्शन हो रहा है, अब मेरी कल्पनाशीलता में ध्यान जा सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी भी है। एक तरीका क्या है जो आपने बताया, एक आदमी बैठ के मैं देख रहा हूँ, ध्यान देंगे तो हम हमेशा ही देख सकते हैं, क्योंकि हर बार मैं अपनी कल्पनाशीलता में चीज़ों को चलाकर ही निर्णय लेकर ही बोल रहा हूँ, या दूसरा बोल रहा है तो उसको सुन के कुछ निर्णय ले रहा हूँ। ये कल्पनाशीलता तो हर बार इन्वॉल्व ही है मेरी, तो उस पर भी ध्यान जा सकता है कि अब मैं इसको भी देखता हूँ, एक आदमी बैठ के देख रहा हूँ तो ध्यान जा रहा, अच्छी बात है। अब मैं देखूंगा मेरे में ये पोटेंशियल है कि नहीं, कि इंटरेक्शन करते समय भी मैं अपनी कल्पनाशीलता में ध्यान बनाए रखता हूँ। तो जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, तो देखिए आप अपनी कल्पनाशीलता में ध्यान बनाए रखते हुए ये सब काम कर सकते हैं कि नहीं, जब मुझे उत्तर दे रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो कल्पनाशीलता में ध्यान बनाए रखते हुए अवेयरनेस के साथ चीज़ों को कर सकते हैं कि नहीं। इसका हम लोग अभ्यास करें तो फिर हम लोग 24/7 कल्पनाशीलता को देखते हुए, है ना, अवेयरनेस के साथ चीज़ों को कर सकते हैं। जी जी
जी भैया। ठीक है भैया, अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है, सबके बहुत प्रश्न बढ़िया बिल्कुल भैया, बहुत प्रोसेस से बढ़िया, थैंक रिलेटेड आ रहे यू। हैं। जी, सबके प्रश्न बिल्कुल प्रोसेस से रिलेटेड आ रहे हैं, इससे मतलब मुझे तो अच्छा ही लग रहा है कि हम सब लोग प्रोसेस में धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जितना गहराई से इस प्रोसेस में हम जाएंगे, है ना, जितना स्पष्टता से इस प्रोसेस को समझ पाएंगे, उतना ही हम जल्दी है ना चीज़ों में परिमार्जन कर पाएंगे ना। समय लगेगा क्योंकि हमारे कल्पनाशीलता में जो इकट्ठा किया हुआ है हमने, उसको समय लगाकर इकट्ठा किया है, तो निकलने में भी उसको समय लगेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितना भी हम ध्यान देते हैं और इस प्रोसेस में जितना चीज़ें सेटल कर पाएंगे, उतने में तो कंफर्टेबल होते जाते हैं। ये जो उतने में कंफर्टेबल होते जाएंगे, ये हमारा मोटिवेशन बनता जाएगा कि हमको और कंफर्टेबल होना है ना। और धीरे धीरे पता चलेगा कि कल्पनाशीलता पे हम ठीक से अगर ध्यान दें, तो बहुत सारा दुख जो अभी हमने पुराना बना रखा है, उससे तो मुक्त हो ही सकते हैं, और बहुत सारा दुख जो अभी अनअवेयरनेस में आ जाता है, उससे भी हम बच सकते हैं। इतना काम तो आराम से हो ही सकता है। जी ठीक है मैंने आपने जो कल बताया था, जो डिस्कस आज चल रहा है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कल कुछ परिस्थिति आई, पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं रिएक्शन दे रही हूँ, मेरे पे उसका प्रभाव पड़ रहा है। फिर मैंने रिएक्शन दिया भी सूक्ष्म रूप से, मतलब कुछ बोल के जी नहीं, चुप रह के। फिर मैं अपने रूम में जाके बैठी, मैंने ध्यान देने की कोशिश की कि मैं कर क्या रही हूँ, तो मेरा ध्यान खुद पे बन ही नहीं रहा था। मैंने देखने की कोशिश की कि मेरा भाव क्या चल रहा है, मुझे वो भी नहीं समझ आ रहा था। मैंने कॉपी निकाली, उसमें लिखना स्टार्ट किया। फिर मैंने उसमें जी लिखा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये कि मेरे भाव तो सही नहीं है, मैं एकदम असहज हूँ। फिर ये देखा कि मैं सहज तो नहीं हूँ, पर मैं कर क्या रही हूँ, अभी मेरे क्या रिएक्शन हो रहे हैं। जी तो वो मैंने जी लिखना जब स्टार्ट किया तो 6 पॉइंट्स निकल के आए। फिर मैंने सूक्ष्म रूप से कुछ नहीं भी करके मैंने रिएक्शंस दिए। ये सब भी रिएक्शंस है जो आपने कल कहा कि कुछ नहीं बोलना, बात नहीं करना, ये सब चीजें। तो मैंने देखा कि मैं रिएक्ट कर रही हूँ, और वो भी एक दो रिएक्शन नहीं, लाइन से 6। फिर ये ध्यान गया कि ये मैं हर बार करती हूँ, है ना, ये सही इस बात है। बार नहीं, मैंने हर बार मैं ऐसे ही रिएक्ट करती हूँ। फिर ये ध्यान गया, फिर मैंने ये देखा कि सामने वाले ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ऐसे हुआ। तो फिर ये दिखा कि वो जी भी हर बार इस तरह से करता है और मैं भी हर बार इस तरह से करती हूँ, तो किया तो मैंने सेम ही। फिर ये दिख रहा है कि भाव मेरा जो है वो असहज है, जैसे आपने वो समुन्दर वाला एग्जाम्पल दिया ना, मुझे वो दिखा कि मैं तो लहर में अभी डूब रखी हूँ। तो जब अपने लहर में डूबे हुए रहते हैं ना, तो क्या भाव चलता है कि अपने उससे निकलने की कोशिश करते हैं, अपने हाथ जी पैर जी मारते हैं कि कैसे इस असहज भाव से बाहर निकले। तो सेम सही चीज बात है। मेरे साथ हो रही थी कि मैं अभी लहर में डूबी हुई हूँ, मुझे निकलना है, मैं देख नहीं पा रही हूँ, मुझ में दृष्टा भाव नहीं है, मैं अभी इसमें जी डूबी हुई हूँ। तो डूबी जी हुई हूँ इसीलिए मेरे में जो भी ये चल रहा है ना, ये चलेगा, मैं हाथ पैर मारूंगी जी निकलने के लिए। तो वो चीज हो रही है कि मैं अपने आप को सहज करने के लिए बहुत सारी चीजें सोच रही थी कि क्यों कर रहा है सामने वाला ऐसा, अच्छा वो ऐसे कर रहा है तो मैं रिएक्ट क्यों कर रही हूँ, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे रिस्पॉन्सिव होना है, तो मैं क्यों अपने से कंप्लेन विरोध ये सब सब चल रहा था। फिर अपने आप को थोड़ा सहज किया कि नहीं, अपने आप में विरोध नहीं चलाना, अपने को तो ऑब्जर्व करना। तो भैया ने कहा था ऑब्जर्व करना है, तर्क में नहीं जाना। ऑब्जर्व जी कैसे करें, तो वो दिख रहा है ऑब्जर्व कर नहीं पा रहे हैं, और कर क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसमें डूब चुके हैं पूरी तरह। जब डूबे हुए हैं तब ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम तो हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे, और वो ये ऑटोमेटिक क्रिया होती है कि ये ऑटोमेटिक चल जी रहा है और इसको हम रोक नहीं सकते। तो फिर जी भी मैंने खुद को बहुत सप्रेस किया, और सप्रेस करके जी उससे बाहर निकालने के लिए ये मैंने ऑब्जर्व नहीं किया भैया, ये मैंने खुद को उससे निकालने के लिए खुद को सप्रेस किया, और उस सिचुएशन से निकालने के लिए खुद को तर्क देकर या उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की। रिजॉल्व हुआ नहीं, बट मैंने खुद को उस टाइम ऐसा फील कराया कि मैं सहज हूँ, अब आराम में भी आ गई, मुझे ये फीलिंग भी आई कि चलो मैं आराम में हूँ,
मैंने जो ये सब रिएक्शंस दिए मुझे ये नहीं देने हैं, मुझे इससे बाहर आना है, आई ट्राई टू चेंज दिस, बट जी उसमें जी से एक दो स्टेप ही मैंने खुद में चेंज किए, बाकी मैं कर नहीं पाई। तो मुझे ये बताइएगा भैया, मैं सही जा रही हूँ क्या? कि मैंने ऑब्जर्व किया कि नहीं किया क्या? मैं मुझे एक्चुअली थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हुई कि नहीं हुई। देखिए, अच्छी बात है कि हम लोग इस प्रोसेस में अब जब जा रहे हैं तो इतना बारीकी से चीज़ों को देख पा रहे हैं ना, कि हम उसमें इन्वॉल्व हैं, इंडल्ज हैं, खुद ही बह जा रहे हैं, और फिर हम तर्क से उसको निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इतना सब अगर हम अपने में होते हुए देख पा रहे हैं तो एक अच्छी बात है कि हम लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और हम ये भी देख पा रहे हैं, बल्कि हम इस डाउट में भी हम तर्क के आधार पर कर रहे हैं कि ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये सब आना अपने आप में एक अच्छी बात है, इससे ये क्लियर होता है कि हम इस प्रोसेस में और जाने के लिए अपना मन बना रहे हैं। तो एक अच्छी बात है, ये एक तरह से अच्छी बात भी है कि इतना सारा हम देख रहे हैं, उसको आर्टिकुलेट करके बता पा रहे हैं, और मन में डाउट है अभी, वो तो बना ही रहता है, धीरे धीरे ही जाता है वो तो, है ना। तो अभी तो मैं इतना ही कहूंगा दीदी कि इसको ऑब्जर्वेशन को बनाए रखिए, प्रोसेस में चीजों को होने दीजिए, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रिएक्शन कर रहे हैं, ये आपको धीरे धीरे खुद ही पता चलेगा, है ना। तो रिएक्शन कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद आप जब वहां से लौट के आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, देखो मैं तो रिएक्शन कर रहा था, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसका एक इंडिकेशन ये है कि जो होने दे रहे हैं हम, जो हो रहा है उसमें मैं बिना प्रभावित हुए उसको देखता रहूंगा, होने दूंगा उसको। रिएक्शन कर रहे हैं कैसे पता चलेगा, अब मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया हूँ, अब मैं इफ बट वाई कौन है, इस कौन दोषी है, ये सब जब करने लगूंगा इसका मतलब मैं इसमें इन्वॉल्व हो गया हूँ। लेकिन ठीक है, उसको तर्क के आधार पर भी हम लोग ना सेट करें कि ऑब्जर्वेशन है कि, है ना, हम इन्वॉल्व हो गए हैं। वो धीरे धीरे जब हम देखने की सूक्ष्मता बढ़ाएंगे तो हमको अपने आप में क्लियर पता चलने लगेगा कि अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ या रिएक्शन कर रहा हूँ, है ना। ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो चीज़ें होती रहेंगी, मैं देखता रहूंगा, रिएक्शन कर रहा हूँ तो मैं उसमें हाथ पैर मारने लगूंगा, और ये दोनों ही सिचुएशन मैं अपने में आराम से देख पाऊंगा। तो इसको होने दीजिए, अच्छी बात है कि हम लोग इतना सारा उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना। तो आज फिर आप ध्यान दीजिएगा, कल फिर जब आप शेयरिंग करेंगे और डीपर भी होगी शेयरिंग, और इस प्रोसेस को हम लोग और देखेंगे धीरे धीरे। जी दीदी भैया, इसमें एक चीज होती है कि जी जब ऐसा अपने में ऑब्जर्व करने लगते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि सिचुएशन हो, ऐसे नहीं सोचते कि सिचुएशन नहीं हो, क्योंकि सिचुएशन जब तक नहीं होगी ना, तब हम देख ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, ये और प्रोसेस रुक क्या, जाएगा, ऐसे ऐसा फील ऐसे होता है। लोगों को, ऐसे लोगों को धन्यवाद दीजिए जो आपके आसपास रहते हैं, जिनकी वजह से आप ट्रिगर हो जाते हैं। जी भैया, यही हो रहा है, ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है उनके। पहले और तो क्या, बह जा रहे हैं, मिक्स्ड फीलिंग्स, पहले तो बह जा रहे हैं, ठीक है, फिर जब बाहर निकल रहे हैं, जब सहजता में आ रहे हैं ना, तब ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है, चलो अच्छा हुआ इन्होंने ऐसे किया, तो अपने में समझ तो बन रही है ना, अपने में एनालाइज तो कर सही पा बात रहे, है, तो इनके लिए ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है कि चलो अच्छा हुआ सही इन्होंने बात, किया, जो पहले नहीं होता था, पहले गुस्सा आता सही था, बात है। वो जी, तो चीज है भैया। थैंक यू भैया। ऐसे लोग हमारी गति में, है ना, हेल्प कर रहे हैं, कम से कम हम संस्कार जागृत हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, प्रोसेस में जा रहे हैं, अच्छी बात है। तो जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है दीदी, तो हम लोग यहीं पर रखते हैं।